राजधानी शिमला पहुंचे पूर्व सांसद आनंद शर्मा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आनंद शर्मा बुधवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए अनुभव की आवश्यकता रहती है, बिना अनुभव के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आनंद शर्मा का नाटी डालकर जोरदार स्वागत किया। कि कोई भी समाज और संगठन, कोई भी संस्था, यहाँ तक कि कोई परिवार भी बिना अनुभव के, बिना बड़ों के आगे चलता है। उनकी अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। ये एक संतुलित मिश्रण हमेशा विजय की ओर लेके जाता है। अनुभव और युवा पीढ़ी का जोश और उनकी उम्मीदें, जब वो दोनों एक साथ चलती हैं तो आपको कामयाबी मिलती है जी। ये रहता है, ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार नहीं होनी चाहिए, पर मेरी ऐसी सोच है कि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ हिमाचल में नहीं पूरे देश में पुनर्जीवित करने के लिए, इसको वापसी लाने के लिए, इसकी विचारधारा को एक बार से फिर लोगों में उसका प्रसार हो, लोग जुड़ें, उसके लिए सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की आवश्यकता है हर स्तर पे, वो होना चाहिए। और यहाँ भी मैं सोचता हूँ कि योग्य प्रतिभाशाली लोग, जिनकी एक अच्छी छवि समाज में हो और संगठन की आम सहमति जिनके पक्ष में हो, उन्हीं लोगों को की दावेदारी को आशीर्वाद मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमें कामयाबी मिलेगी। आपने अपने वक्तव्य नहीं मालूम कि मुलाकात की बात कहाँ से है और इस पे हलचल क्यों है। मैं ओल्ड स्कूल का हूँ राजनीति में। मैंने वो समय देखा है जब बावजूद मतभेद के और तीखी बहस जो संसद में मैंने होती देखी है, प्रधानमंत्री में, नेता प्रतिपक्ष में, हम लोगों की स्वयं रही है केंद्रीय मंत्री के रूप में नेता प्रतिपक्ष के साथ, जिनके साथ मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध भी थे, अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज जी थी, पर हमने कभी राजनीति में कटुता आते नहीं देखी, ना ही छोटी सोच उस समय के नेताओं की रही है। तो मैं अब उस सोच से अलग नहीं हो सकता। जेपी नड्डा जी के प्रति मेरी शुभकामनाएं भी हैं, होनी भी चाहिए। मैं उनसे उम्र में भी बड़ा हूं, हम एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। मैं भी अगर यहां से हिमाचल, छोटे प्रांत है लेकिन मैं सीमावर्ती राज्य है हमारा, पर भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारी आबादी को देखते हुए, हमारे हिस्से को देखते हुए, लोकसभा में हमारे कितने सदस्य हैं, इतने विशाल देश में अगर इस प्रांत के लोग उच्चतम स्तर पर चले जाएं, उच्चतम पद